सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। इस अवसर पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध या पितरों को तर्पण विधि विधान से देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष समाप्त हो जाता है। ऐसा उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। शुक्रवार पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या समाप्त होगा। सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को पितृपक्ष की शुरुआत होती है और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इसका समापन होता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो परिजन अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ तर्पण किया जाता है, उसे श्राद्ध कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। इससे प्रसन्न होकर पितर अपने घर को सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध की तिथियां 29 सितंबर 2023 पूर्णिमा श्राद्ध 30 सितंबर 2023 प्रतिपदा श्राद्ध द्वितीया श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023 तृतीया श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023 चतुर्थी श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023 पंचमी श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023 षष्ठी श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 सप्तमी श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023 अष्टमी श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023 नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023 दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023 एकादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023 द्वादशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023 त्रयोदशी चतुर्दशी चतुर्दशी। अच्छा, मैं लखनऊ सिवनी डिस्ट्रिक्ट प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने माता जी का पिंडदान करने के लिए पितृपक्ष 15 दिन के लिए जो पितृपक्ष का समय है उसमें पिंडदान करने के लिए गया जा रहा हूँ। तो हम लोगों का जो नियम है, पहले इलाहाबाद, फिर बनारस, फिर गया और नैनीसा। कितना महत्व है प्रयागराज का? बहुत महत्व है। सदियों से परंपरा चली आई है कि जिसका पिंडदान इन 15 दिन के पितृपक्ष में किया जाए वो सीधे स्वर्ग का आत्मा जो है स्वर्ग से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है।